नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और जो जो हमारे वीडियो देखते हैं कौन से राज्य से देखते हैं, राज्य का नाम जरूर बताएं कि कौन सा राज्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा रहे वर्मी कंपोस्ट हम लोग पसार के रखे और वहाँ वर्मी कंपोस्ट हमारा भींग रहा है। तो यही है हमारा जो काम है जो करते रहते हैं, और इसको आज हम सोचे थे चालेंगे। और चालने के लिए गए तो इस तरह का खाद हमें प्राप्त हुआ, लेकिन ये चलाया नहीं है, बहुत मुश्किल से चलाया है और हमसे चलनी चल नहीं रहा। सोच लीजिए इतनी बड़ी चलनी होने के बावजूद हमसे चला नहीं रहा, सब ढीला ढीला है, मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा है और दिक्कत हो रही है। तो अभी तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे और जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सुखा दें और अच्छा से इसको कंपोस्ट हम लोग बनाएँ। तो जिन्हें भी कंपोस्ट चाहिए हमें ले सकते हैं, और जहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ अपना राज्य का मेंशन करें। और यदि अच्छे ऑर्डर देते हैं लगभग 30 से ऊपर 30-50-100 तो रेट घट जाता है। और कोशिश रहेगा जो भी आपका अच्छा कुरियर सर्विस हमको प्राप्त हो उससे आपको भेजे और कम बजट में आपका काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए, आपका भी काम हो जाए। और एक शहर है जो हमें कल बातचीत किए थे 30 KG का और वो ऑर्डर दे रहे थे, तो हम भी उनको रुकने के लिए कहे हैं क्योंकि अभी हमारा खाद बहुत भींगा हुआ है, सूखने का प्रोसेस में चल रहा है। जैसे सूखेगा वैसे हम लोग चलना शुरू कर देंगे। और हमारा खाद लोकल में भी डिमांड है और हमें खोजा जा रहा, बोला जा रहा, डांटा जा रहा कि भैया खाद दो, हमारा कस्टमर घूम रहा है और आप ही का खाद के लिए घूम रहा है, तो इसलिए उन सबको भी खाद देना है। और भगवान जल्दी से इसको खाद को सुखाए, हवा यहाँ चलाएं और आप सबको खाद दे पाएँ। तो आप सबका दिन शुभकामनाएं से भरा हो, आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग बहुत अच्छे से देखे होंगे और अपना राज्य जरूर बताइएगा। तो धन्यवाद।